गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। एज इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड दिस टॉपिक वाज कंप्लीटेड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड द टॉपिक इज कैटालिस्ट। न्यू एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की जो डिटेल थी एग्जाम्पल्स के साथ हमने बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि है कैटलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ए कैटलिस्ट, सुनिए ध्यान से। सपोज दैट ए कोई रिएक्टेंट है, बी में कन्वर्ट होता है, ये कोई केमिकल इक्वेशन कहते हैं हम, एक केमिकल रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं। यहाँ टाइम लग रहा है मान लीजिए 1 आवर, यानी द टाइम टेकन बाय द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी किस 1 आवर, यानी ए को बी में कन्वर्ट होने में 1 आवर लग रहा है। हम चाहते हैं कि रिएक्शन स्पीडली हो और टाइम जो है वो 10 to 15 मिनट्स ही लगे। तो हमने क्या किया, कोई सब्सटेंस यहाँ पे यूज किया और जैसे हमने उस सब्सटेंस को यूज किया जो टाइम पीरियड था रिएक्शन का वो कम होकर 10 to 15 मिनट्स हो गया। तो जो सब्सटेंस हमने काम में लिया है उस सब्सटेंस को हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं कैटलिस्ट। यानी एक्चुअली होगा क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, द टाइम टेकन बाय द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, द टाइम टेकन बाय द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट जितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो रिएक्शन का टाइम कम होगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम है इसका मतलब रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। फिर से सुनेगा, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन द रिएक्शन विल बी फास्ट, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी लो इट मीन्स द रिएक्शन विल बी स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन लो है तो आप ऐसे याद रखें, एक को याद कर सकते हैं आप, रेट ऑफ रिएक्शन लो तो रिएक्शन होगी स्लो, दूसरा अपने आप ही आपको याद रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ही चेंज लाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। नाउ वी आर इन द पोजिशन टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ए कैटलिस्ट। दोज सब्सटेंसेज विच ऑल्टर और चेंज, those substances which alter or change the rate of the reaction, yani aise substances jo rate of reaction ko change kar rahe hain, listen again, those substances which alter or change the rate of the reaction are known as catalysts। aur generally hum baat kare kaun se substances ko as a catalyst kaam mein liya jata hai, aap example dekhenge, most of the metals are used as a catalyst। मोस्टली जो मेटल्स होती हैं उन्हीं को कैटलिस्ट के फॉर्म में काम में लिया जाता है, ये आपको एग्जांपल्स में देखने को मिलेगा। नाउ द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, अगला जो यहां सब टॉपिक है टॉपिक का टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देखिएगा फर्स्ट टाइप यहां एक बेसिस पे है और वो बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सुनिएगा फिजिकल स्टेट, यू नो वेरी वेल फिजिकल स्टेट्स में भी सॉलिड और लिक्विड और गैस, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस ये वाली जो फिजिकल स्टेट है इन्हीं को लेके हमने यहाँ कैटलिस्ट को कैटेगराइज किया है। टू मेजर कैटेगरीज आर हेयर अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फर्स्ट वन इज नोन एज होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स फिजिकल स्टेट। यानी कि ऐसे कैटलिस्ट जहां पे रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है दोनों की फिजिकल स्टेट अगर सेम है उसको हम कहते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। ऑप्शन में दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स
are similar to each other, or you can say are similar, are known as homogeneous catalyst. Those chemical reactions in which reactants and catalysts are found in same physical state are known as homogeneous catalyst. हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आप खुद की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, मेन सेम निकलना चाहिए. लिसन अगेन, एक बार फिर से सुनिएगा. Those chemical reactions in which reactants and catalysts are found in a same physical state are known as homogeneous catalyst. बात करें एग्जाम्पल की, देखिएगा SO2, you know SO2 sulfur dioxide, when SO2 combines with O2, यानी हमने SO2 की केमिकल रिएक्शन करवाई है O2 के साथ, देखिए क्या बनेगा. SO2 के साथ में हमने केमिकल रिएक्शन करवाई है, SO2 के साथ में हमने केमिकल रिएक्शन करवाई, देखिएगा साथ में सैनिटाइजेशन भी करते रहना है, ज़्यादा यूज में नहीं लेना है, आपके बैक्टीरिया जो हाथों पे हैं अच्छे वाले बैक्टीरिया भी जो हैं वो डेड हो सकते हैं, ज़्यादा सैनिटाइजेशन काम में नहीं लेंगे, सैनिटाइजर कम से कम काम में लें, जहाँ पे आपकी जो फिंगर्स के पोर हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जहाँ पे हो रहा है, पूरी पाम भी आप ले सकते हैं, तो जहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपका हाथ जा रहा है, टच हो रहा है, तो वहाँ पे आप सैनिटाइज करते रहें, ज़रूरी है, बार बार नहीं धोएंगे, ज़्यादा आप सोप का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा. तो देखिएगा, आपको पता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 आपका हो गया ऑक्सीजन, देखिए क्या बनेगा SO3. इस रिएक्शन को होने में टाइम जितना भी लगता होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो टाइम को कम कर देना है, इसलिए हमने क्या लिया है, एक कैटलिस्ट यहाँ पे लिया है, कैटलिस्ट आपका है NO. आई थिंक यू डोंट नो अबाउट NO, तो सुन लीजिएगा, NO इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका हो गया है नाइट्रिक ऑक्साइड. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक बार बैलेंस कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे, बिना बैलेंस के तो कैसे बढ़ेंगे आगे, देखिएगा S1 यहाँ पे भी S1 है, क्या करेंगे 3 है, ओके उधर 2 हो रहे हैं, एक तरफ आप 6 कर रहे हैं तो 2 लगाना पड़ेगा, 2 × 3 ओके 6 हो गए, अब आपका 2 भी हो गए हैं, एस के यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा ओ, आपका अब बैलेंस हो चुका है 4 × 6 2 × 3 6 S2 यहाँ पर भी S आप देख पा रहे हैं है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, SO3 का नाम आपको पता लग ही हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, तो SO3 क्या होगा भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके, तो ये आपका हो गया एग्जांपल, याद रखें इसको. नेक्स्ट वन, सेकंड वन हेटरोजीनियस कैटलिस्ट, डिफरेंट है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, heterogeneous catalyst, those chemical reactions in which reactants and products are found in a different physical state, या तो solid होंगे reactant और liquid state में आपके होंगे catalyst, या liquid होंगे catalyst तो आपके liquid होंगे आपके reactants तो आपका product हो जाएगा या तो solid या फिर gas state, मतलब यहाँ physical state reactant और catalyst की different रहेगी, सुनेगा ध्यान से, those chemical reactions in which reactants and catalysts are found in a different physical state are known as homogeneous catalyst. Example की बात करें, देखिए example N2 plus S2 is equal to क्या बनेगा NS3. What is NS3? नाम तो आपको पता ही होगा, अमोनिया. बैलेंस करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका. अब खास चीज क्या है, रिएक्शन को हमें स्पीडली करवाना है, फास्ट बनाना है, हम क्या लेंगे आयरन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेटल, आगे भी कुछ रिएक्शंस आपको मिलेंगे मेटल वाले, बाकी फर्स्ट में अपने नाइट्रिक ऑक्साइड लिया सर, वो तो मेटल नहीं था, बिल्कुल मेटल नहीं था भाई, वो एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड था, उसके अलावा जो मैक्सिमम रिएक्शंस अपन देखेंगे कैटलिस्ट से जो इन्फ्लुएंस्ड हैं, वहाँ पे आपको मेटल्स ही एज ए कैटलिस्ट देखने को मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेसिस की बात करते हैं, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के बेसिस की बात करें तो एक्शन के बेसिस में हम देखेंगे कि कुछ कैटलिस्ट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ ऑटो होते हैं और कुछ बायो कैटलिस्ट होते हैं. इन डिफरेंट को अपन एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, हर एक रिएक्शन का अपन एग्जांपल लेंगे, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे.
That's all for today. Thank you so much.